तो आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता तो ध्यान दीजिएगा, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था आयनन विभव क्या, आयनन विभव क्या होता है। तो आयनन विभव में जो है इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता था और इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाएगा। बात सुने, इलेक्ट्रॉन बंधुता में इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाएगा। अच्छा, आयनन विभव में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन जो है त्यागने के लिए ऊर्जा देना पड़ता था, और आयनन बंधुता में क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। ठीक है ना, ऊर्जा का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। यही हमारा क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अब देखिए इसका जो है परिभाषा कैसे बनेगा। जैसे मान लीजिए कोई परमाणु गैसीय अवस्था में है, कोई गैसीय अवस्था में विलगित परमाणु है। ठीक है ना, मान लेते हैं कोई गैसीय अवस्था का परमाणु है, वो कौन सी अवस्था में है, तो विलगित। विलगित का मतलब आप लोग जानते हैं ना, उसके परमाणु इधर उधर गति करते हैं। ऐसे केस में अगर बाहर से हमको जो है इस परमाणु के संपर्क में कोई इलेक्ट्रॉन लेकर आना हो, मतलब बाहर से जो है किसी अन्य सोर्स से जो है इलेक्ट्रॉन लाकर इसमें जोड़ना है, मतलब कह सकते हैं कि अन्यत्र से जो है हमारा क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन इसमें आ रहा है। बस सुनिए, अन्यत्र से इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ऐसे केस में जो है जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो यहां पर क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। आयनन विभव में क्या होता था, ऊर्जा हमको लगाना पड़ता था उसमें, और इसमें क्या होगा, ऊर्जा का उत्सर्जन होगा। बस नहीं, और इस दौरान जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण होगा तो परमाणु पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश की धनावेश, ऋणावेश। ठीक है ना, तो इस दौरान जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन बंधुता। बात सुन गई, कोई दिक्कत नहीं ना। तो इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होता है, ये ठीक आयनन विभव का हम कह सकते हैं उल्टा होता है, उसमें धनावेश, जी सर, उसमें धनावेश बन रहा था, इसमें ऋणावेश। उसमें ऊर्जा लगाया जा रहा था, इसमें ऊर्जा निकलेगा। उसमें धनायन बनता था, इसमें ऋणायन। बस सुन गई, और नाम जो उल्टा हो जाएगा। अब एक मामला आता है कि मान लेते हैं कोई परमाणु है, ठीक, ये होगा मान लीजिए कोई परमाणु। अब इसके पास मान लीजिए कितनी कक्षाएं हैं, तो तीन, तीन कक्षाएं हैं। अब मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले कोष में है, ठीक है ना, बाहर वाली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उन पर आकर्षण बल नहीं मिलेगा, तो नाभिक के द्वारा बाह्यतम कोष पे, बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों पर जो आकर्षण बल आरोपित किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और एक चीज बताइए, जब कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन लाकर इस परमाणु में जोड़ा जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या डायरेक्ट अंदर घुस जाएगा कि बाहर रहेगा, बाहर रहेगा। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी। क्यों, अगर बात की जाए तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। तो इस दौरान यहाँ पे एक नई कक्षा का निर्माण हुआ, तो इस कक्षा में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन आ गए मान लीजिए। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं जैसे जैसे कक्षाओं की दूरी बढ़ेगी, मतलब कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी, आकर्षण बल का मान कम होगा, ज्यादा होगा, कम होगा। क्यों, पहले मान लीजिए किसी, जैसे मान लीजिए कोई टावर है, ध्यान दीजिएगा, कोई टावर है मोबाइल वाला,
ठीक है ना, जिससे नेटवर्किंग होती है, वो टावर जो है जितना बढ़िया नेटवर्किंग 1 किलोमीटर के एरिया में देगा, क्या उतने बढ़िया नेटवर्किंग 11 किलोमीटर के एरिया में भी देगा? उस नेटवर्किंग टावर के आसपास वाले जो गांव होंगे 1-2 किलोमीटर वाले, वहां पर सिग्नल बहुत बढ़िया काम करेगा, और जितने दूर दूर के गांव होंगे वहां पर सिग्नल उतने कम होगा। इसीलिए तो बोलते हैं हमारे यहाँ सिग्नल सही नहीं रहता, नेटवर्क सही काम नहीं करता। तो सेम चीज है कि मतलब जितना एरिया बड़ा होगा उतना कवरेज उसका क्या हो जाएगा, उसका प्रभाव धीरे धीरे कम हो जाएगा, और जितना जो है एरिया कम होगा उसका प्रभाव उतने ज्यादा होगा। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या तो बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है, और बीच में कौन होता है, प्रोटॉन। तो क्या प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही है। तो जब प्रोटॉन की संख्या अस्थाई है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो इस केस में हम कह सकते हैं कि केवल इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाइए आप, मतलब एक टावर है, इसके बाद जो है आप सोचिए कि उससे 25 किलोमीटर तक दूरी कवर की जा सके, मतलब 25 किलोमीटर तक एरिया में जो है टावर ना लगाया जाए, उसी टावर से काम चलाया जाए, तो नेटवर्किंग बहुत बढ़िया आएगा, नहीं आएगा ना। तो ऐसे ही जो है जैसे जैसे कक्षाओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। अगर घटेगा बात की जाए क्यों, क्योंकि परमाणु में, इस परमाणु में जो है प्रोटॉन या धनावेश की संख्या जितनी थी उतने रह गई, लेकिन इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो गई, या सीधा सीधा आप कह सकते हैं प्लस की संख्या जितनी थी उतने रह गई, और माइनस की संख्या धीरे धीरे क्या हो गई, बढ़ती चली गई। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं यहाँ पर लगने वाला प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या होगा, घटेगा। बात समझाई, कोई दिक्कत, इसको बनाएंगे पहले फिर लिखेंगे, पहले बना लीजिए। तो देखिए इसकी परिभाषा लिखेंगे, तो लिखिएगा किसी उदासीन परमाणु की परिधि, परिधि का मतलब क्या होता है, चारों तरफ की परिधि, परिधि कहाँ यूज किया गया, अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो आता है वो अंदर आता है कि किनारे, परिधि का मतलब क्या होता है, बाह्यतम कोश, है ना। किसी उदासीन परमाणु की परिधि पर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए विलगित परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जिससे कि इलेक्ट्रॉन पर धनावेश बनेगा, ऋणावेश, जिससे कि परमाणु पर ऋणावेश बन जाता है, परिणाम स्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा का मान घट जाता है या कम हो जाता है।
इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को लाने हेतु जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वही उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है, वही उस परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। ठीक है, इसमें कोई दम है कि किसी उदासीन परमाणु की परिधि पर, मतलब इलेक्ट्रॉन जो आएगा वो डायरेक्ट नाभिक में नहीं कूद जाएगा, नहीं हम बीच में जाएंगे कुछ ठंडक लग रहा है, वो आएगा तो पहले कहा जाएगा किनारे पर, मतलब बाह्यतम कोष में, किसी उदासीन परमाणु की परिधि पर इलेक्ट्रॉन लाने के लिए विलगित परमाणु से ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। मतलब जैसे ही परमाणु आएगा तो परमाणु लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन करना पड़ेगा, और जिससे कि परमाणु पर क्या हो जाता है ऋणावेश, जब इलेक्ट्रॉन आएगा तो ऋणावेश बढ़ेगा। आप लोग पढ़े होंगे ना कि इलेक्ट्रॉन जब ग्रहण किया जाता है तो ऋणावेश, इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है तो धनावेश, तो जिससे कि परमाणु पर ऋणावेश बन जाता है, परिणाम स्वरूप प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बना, प्रोटॉन में कहां वृद्धि हो रहा है, प्रोटॉन में वृद्धि नहीं हो रहा है, तो प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम हो जाता है। इस प्रकार इस इलेक्ट्रॉन को लाने हेतु जितनी ऊर्जा का उत्सर्जन होता है वही उस परमाणु की क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती। पास हो जाए,